इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के पठापुर रोड पर स्थित मंगलवार के हाट में। इस हाट में जाम की स्थिति प्रभावित होती है और मेन रोड पर ये बाजार लगने की वजह से कई दिक्कतों का सामना यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ पर शिफ्टिंग के लिए कहा गया था और पत्थर भी लगा दिया गया था कि इस बाजार को नीचे की ओर शिफ्ट किया जाए, लेकिन ये चौराहे पर बाजार लगने की वजह से तीनों तरफ के जो रास्ते हैं वह बंद हो जाते हैं और कोई भी घटना हो सकती है। यहाँ पर भारी वाहनों का प्रवेश भी होता है, ट्रैक्टर, यहाँ पर बड़े बड़े वाहन भी इन सड़कों से गुजरते हैं। और साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पर वार्ड नंबर 38, 39 और 40 ये तीनों वार्ड के लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बाजार को सीमित किया जाए और यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं को, यहाँ पर जो घटनाएं हो सकती हैं उनको रोका जा सके। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछेंगे क्या दिक्कतों का सामना इस बाजार में करना पड़ता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश जी, कहाँ रहते हैं आप? पठापुर रोड पे। क्या स्थिति होती है यहाँ पर मंगलवार? यहाँ पर भैया ये होती है कि मंगलवार को तो ये लगता है शाम के टाइम के यहाँ से कैसे निकलें, कहीं के भी किसी की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो ना एम्बुलेंस निकल पाती है, ना भारी वाहन निकल पाते हैं, जबकि मेन रोड है। यहाँ से बहुत सारी बस्तियाँ हैं जो कई मोहल्ले हैं, यहाँ पर 2-3 वार्ड लगते हैं आगे। और मंगलवार को तो ये मान लो कि ये लगता है कहाँ से जाएँ, कहीं से वो रास्ता नहीं है दूसरी, बस यही परेशानी। सीमित बाजार होना चाहिए, हाँ, कहीं व्यवस्थित हो, मेन रोड से हट जाए बस। और जैसे कि यहाँ पत्थर लगा दिया गया था कि नीचे की तरफ बाजार लगाया जाए, लेकिन देखें लोग मानते नहीं हैं, ये बाजार पूरा जवाहर रोड तक जा रहा है। हम लोगों ने कई बार इसकी मांग उठाई है, पहले भी उठाई है और अभी भी कहते हैं कि जहाँ पे जगह है वहाँ पे ये बाजार लगवाए, प्रशासन की जवाबदारी है, क्योंकि हम तो आमजन हैं, किससे कहेंगे, आदमी लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसमें प्रशासन कड़ी से कड़ी सख्ती से बाजार को साइड में लगवाए। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो जिनका कहना है कि इस बाजार को सीमित किया जाए और ऐसी जगह पर भी चिन्हित किया जाए कि जिससे कि इस बाजार में जाम की स्थिति प्रभावित ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। नगर पालिका के द्वारा पूर्व में एक बोर्ड भी लगा दिया गया था इस बाजार को नीचे की ओर शिफ्ट करने के लिए, लेकिन यह बाजार देसा पटेरिया के घर के आगे से लेकर के पठापुर रोड और जवाहर रोड तक यह पूरा बाजार लग रहा है। आइए चलते हैं, अब मिलते हैं हम नगर पालिका CMO मैडम से और इनसे भी पूछते हैं, जो कि माधुरी शर्मा है, इनसे इनका क्या कहना है, क्या सुझाव है इस बाजार को लेकर। हाट बाजारों को व्यवस्थित कराने के लिए हमने अनुविभागीय अधिकारी को भी पत्र लिखा है, प्रत्येक रोड पर भूमि चिन्हांकन के लिए, जहां हम उनको व्यवस्थित करा सकें, वहां से जैसे ही हमको भूमि उपलब्ध होती है वहां व्यवस्थित कराएंगे। साथ ही अभी जो हाट बाजार रोडों पर लग रहे हैं उनको व्यवस्थित कराने के लिए अतिक्रमण दल भी जाता है, मौके पर बार बार उनको समझाइश दी जाती है और आम रोड को छोड़ने के लिए भी बार बार उनको निर्देश किया जाता है। मैडम, कई बार देखा जाता है कि वहाँ पर 38, 39, 40 आज मंगलवार का दिन है, यहाँ 3 वार्ड लगते हैं और यहाँ पर कोई व्यक्ति मरीज भी यदि अस्पताल आना चाहे तो इस जाम की स्थिति में वहाँ पर अस्पताल भी नहीं पहुँच सकता है, इसके लिए क्या? इसके लिए टीम को विशेष रूप से निर्देशित किया जाएगा कि उस रोड पर पूरी व्यवस्था बनाई जाए कि लोगों का आवागमन सुगम तरीके से वहाँ पर कराया जा सके। मैडम, ये जो अपना स्थान है मेला ग्राउंड का, यहाँ बाजार, यहाँ रविवार के दिन हाट बाजार लगाया जाता है, तो अभी ये काफ़ी आगे तक आकाशवाणी तिराहे तक संचालित किया जा रहा है, उसमें हर रविवार को कार्य किया जा रहा है। मीट मछली की दुकानें जो जैन मंदिर के आसपास है उनको भी हटाया जाता है और आगे भी यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।